कम समय में स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कैसे करें। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे टिप्स जिससे आपको स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करने में बहुत मदद मिलेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज इरम मैम और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्कूल का होमवर्क जल्दी कंप्लीट कैसे करें। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। पढ़ाई की तरफ बच्चों का इंटरेस्ट जगाने के लिए और रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए स्कूल का होमवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि स्कूल का होमवर्क जल्दी कंप्लीट कैसे करें। टिप्स नंबर 1, सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं ये कहूंगी कि स्कूल से लौटने के 1.5 या 2 घंटे के अंदर ही आपको स्कूल का होमवर्क करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय तक आपको स्कूल में पढ़ाई गई सारी चीजें अच्छे से याद रहती है, तो आप अपना होमवर्क जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए काफी समय मिल जाएगा। टिप्स नंबर 2, होमवर्क करने की शुरुआत हमेशा उस सब्जेक्ट से कीजिए जो आपको पसंद हो। उस सब्जेक्ट से कभी भी शुरुआत मत कीजिए जो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है या जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद ना हो। टिप्स नंबर 3, होमवर्क को 3 भाग में बांट लें, रीडिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग। रीडिंग यानी पढ़ने से रिलेटेड जो भी होमवर्क मिले हैं आपको, जैसे किसी चैप्टर को पढ़ना है, किसी पोएम को पढ़ना है या किसी स्टोरी को पढ़ना है, उसको एक जगह रखें और बारी बारी से उन सबको कंप्लीट कीजिए। दूसरे भाग में लिखित कार्य यानी रिटर्न वर्क जो भी मिला है आपको होमवर्क में, उन सबको एक जगह रखिए और बारी बारी से उन सबको कंप्लीट कीजिए। रिटर्न यानी कोई असाइनमेंट बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है या किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तीसरे भाग में मेमोराइज यानी याद करने से रिलेटेड जो भी होमवर्क मिले हैं उन सबको एक जगह रखिए। किसी टेस्ट की तैयारी करनी है या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर याद करना है या मैथ या साइंस का कोई थ्योरम या डिफिनेशन याद करना है, इन सबको एक जगह रखिए और बारी बारी से उन सबको कंप्लीट कीजिए। टिप्स नंबर 4, होमवर्क जल्दी कंप्लीट करने के लिए हमेशा शांत जगह पर जाके बैठिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो टीवी के सामने बैठ के अपना स्कूल का होमवर्क करते हैं, जिससे उनको स्कूल का होमवर्क करने में ज्यादा समय भी लगता है और वो पढ़ाई पर फोकस भी नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा ऐसी जगह का चुनाव करें जहां का वातावरण बिल्कुल साइलेंट हो। शांत जगह पर बैठकर अगर आप अपना होमवर्क करेंगे तो आप अपना वर्क जल्दी फिनिश कर लेंगे और उसके बाद आपके पास पूरा समय बचेगा अपना फेवरेट कार्टून या प्रोग्राम देखने के लिए। टिप्स नंबर 5, ध्यान भटकाने वाली चीज को कुछ देर के लिए अपने आप से दूर कर दें। ध्यान भटकाने वाली चीज मतलब टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स, टैबलेट इत्यादि। अगर आप पढ़ाई करते टाइम इन चीजों को अपने आप से दूर नहीं करेंगे तो जिस होमवर्क को करने में आपको 1 घंटा लगेगा उसी होमवर्क को आप 3 से 4 घंटे में कंप्लीट करेंगे। हाँ, लेकिन किसी जानकारी को ढूंढने के लिए अगर आपको मोबाइल या कंप्यूटर का यूज करना है तो जरूर कीजिए, लेकिन आपका ध्यान उस जानकारी को ढूंढने पे ही होना चाहिए, ना कि मोबाइल में आए हुए किसी नोटिफिकेशन पर। या ऐसा ना हो कि आप कोई सोशल मीडिया ऐप यूज करने लग जाएं या फिर गेम खेलने लग जाएं। पहले आप स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करने पर पूरा फोकस कीजिए, उसके बाद आपके पास जो समय बचता है उस समय आप अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिलेगी स्कूल का होमवर्क जल्दी कंप्लीट करने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।